हेलो बच्चों, देखिए मैथ्स बाय संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th NCERT चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल्स फाइंड करना है, तो यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से दो कोई भी कर देंगे। देखिए, तो हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 5। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम पॉइंट फाइंड करेंगे, तो एफ डैस एक्स निकालेंगे जो आएगा 2x प्लस 2, या 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1। देखिए, तो यहाँ पे देखिए एफ डैक्स एक्स को 0 लेंगे, दिस मीन्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस 1, ये आ गई। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम, देखो तो वही पुराना मेथड ही हम लगा रहे हैं, इसमें हम कोई नई चीज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे देखिए, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने इंटरवल्स बन गए, वी फाइंड टू इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर दो इंटरवल मिल गए। देखो, एक तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा माइनस 1 से प्लस इनफाइनाइट। अब इन दोनों इंटरवल्स में हम चेक करेंगे। देखिए, इनमें हम चेक कर रहे हैं, तो पहले माइनस 1 से माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लें। मान लीजिए हम एक्स को इक्वल टू माइनस 2 ले लिया। अब माइनस 2 रखेंगे इसमें एफ डैस एक्स में, तो एफ डैस एक्स इक्वल टू एफ डैस एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 मान नेगेटिव आया, नेगेटिव, ये नेगेटिव आया है। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1। इसी तरह अब सेकेंड देखेंगे। नाउ, अब माइनस 1 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में नंबर ले लेंगे। मान लीजिए 0, 1, 2 कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए 0 ही ले लिया जो इसके बीच में है, एफ डैस 0 निकालेंगे तो आएगा 2 0 प्लस 1 इक्वल टू प्लस 2 माने पॉजिटिव। देयर फॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस 1 टू इनफाइनाइट। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें दो ही करेंगे हम, बाकी आप अपने आप करें, बहुत करा दिए मैंने। अब इसका देखिए, अब मान लीजिए सबसे बड़ा मुझे लग रहा है वो है ई, ई वाला ले लेते हैं। तो फंक्शन है यहाँ एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। एफ डैस एक्स निकालेंगे, देखो तो यू इंटू वी वाला, मान लीजिए एक्स माइनस 3 होल क्यूब ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रल करेंगे तो आएगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम बाहर कर देंगे, x प्लस 1 को बाहर कर दिया तो 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम, तो 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा देखिए, तो अंदर क्या क्या बचेगा आप देखें, यहाँ बचेगा एक्स माइनस थ्री प्लस, यहाँ जो कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा एक्स प्लस वन, तो हमें थ्री ब्रैकेट्स में लगा थ्री एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ टू एक्स माइनस टू, यहाँ मिलेगा टू एक्स माइनस टू, तो टू कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस वन आ गया, तो हमको थ्री ब्रैकेट्स मिल गए, थ्री फैक्टर्स मिल गए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ये आ गए। अब हम इसको एफ डैश एक्स को जीरो लेते हैं, एफ डैश एक्स जीरो, इसका मतलब तीनों ब्रैकेट्स को जीरो लेंगे, टोटल जीरो है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस वन माइनस वन, दूसरा एक्स माइनस वन को जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस वन, तीसरा एक्स माइनस थ्री को जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, तो हमें कितने पॉइंट मिल गए इंटरसेक्शन वन माइनस वन टू और थ्री, थ्री वैल्यू मिल गई, वी हैव थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट्स, अपने पास तीन आ गए, तो यहाँ से कितने इंटरवल बनेंगे देखिए आप, वी हैव वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन और प्लस थ्री, वी फाइंड इंटरवल्स, इंटरवल कौन कौन से मिल रहे हैं देखिए, पहला माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन और प्लस वन से प्लस थ्री और थ्री से इनफाइनाइट, ये फोर इंटरवल्स मिल गए हमको, वी हैव फोर इंटरवल्स, देखिए देयर आर फोर इंटरवल्स, फोर इंटरवल्स, पहला है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन, प्लस वन से थ्री और थ्री से प्लस इनफाइनाइट, अब हम चेक करेंगे पहले इंटरवल के लिए, देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लिया, मान लो माइनस के टू ले लिए हमने, तो f माइनस टू रखेंगे, देखो f, अब एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ये है सिक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ये आ गए, तो कुछ भी रख देंगे हम माइनस टू रखने पे, देखो ये आएगा पहला क्या रखेंगे, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, क्यों होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब आंसर आया नेगेटिव, इसका आंसर कितना आया, नेगेटिव आंसर आया, देखिए तो इसमें क्या आएगा, माइनस देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन में कितना आ रहा है, डिक्रीजिंग आया है, ठीक है, देयरफॉर एफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, दूसरा अब दूसरी वैल्यू लेंगे, देखो अब दूसरी वैल्यू है अपने पास माइनस प्लस वन, एक देखो ये दूसरा क्या है, माइनस वन से प्लस वन,
माइनस वन टू प्लस वन, तो यहाँ x की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, तो f डैश x का क्या आएगा जीरो लेने पे, देखो ये माइनस वन, माइनस वन फिर जाएगा प्लस का वन, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तीसरा पॉजिटिव माने नेगेटिव आया, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस वन से प्लस वन। अब वन से थ्री ले लेते हैं, वन से थ्री, वन से थ्री देखिए, वन टू थ्री, यहाँ टू ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू टू ले रहे हैं इसमें, तो एफ डैश एक्स का देखो ये आएगा प्लस प्लस प्लस, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है, ये पॉजिटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल वन से थ्री। इसके बाद एक पॉइंट और है, वो भी ले लेते हैं हम, अब पॉइंट ले रहे हैं थ्री से प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू फोर, तो यहाँ आएगा एफ डैश एक्स का जो साइन आएगा वो लेने पे ये पॉजिटिव ही आएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन थ्री टू इनफाइनाइट। तो अब हमारे पास हमने देख लिया, दिस इम्प्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से वन एंड माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और माइनस वन से वन, तो ये दो में इसकी वैल्यू है। तो क्वेश्चन हमारा ये सिक्स कंप्लीट हो गया, दो पार्ट की हमने केवल। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेवन, तो क्वेश्चन सेवन आप देखें सॉल्यूशन, एफ एक्स या बाई दिया, बाई लिख दो या एफ एक्स लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए ये दिया लॉग एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। अब इसका पहले हम डेरिवेटिव, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालें, देखो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग का हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस, यहाँ डिवाइड रूल लगेगा, तो डिवाइड रूल में क्या होगा, डिनोमीटर होल स्क्वायर होता है, टू एक्स प्लस वन ऐसे ही रहेगा, टू प्लस एक्स, टू एक्स का करेंगे तो इनटू में टू आ जाएगा, माइनस टू एक्स को ऐसे ही रखेंगे, टू प्लस एक्स का करेंगे तो वन आएगा, ये आ गया। तो अपना ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, देखिए वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस के फोर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको हम, एलसीएम आएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और जो आएगा माइनस फोर एक्स प्लस वन, इसको भी सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर देखो ये बचा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन तो देखो आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन आता है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ही कर रहे हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आया ऊपर आया एक्स स्क्वायर।
अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग पता करना है कि इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखिए इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो हो। इसको हम निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ये तो पॉजिटिव हो गई होगा, इसका मतलब एक्स प्लस वन भी ये पॉजिटिव है, सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, क्योंकि देखो पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी, ये है। देखो हेंस बाय इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, ये आ गया। ये क्वेश्चन सेवन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन एट देखिए। अब फिर वही फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच बाय इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, इंटरवल नहीं फाइंड करना, जैसे पिछले में किया तो वैसे ही करना है। देखिए तो फिर उसी टाइप से चलेंगे हम, सॉल्यूशन एफ एक्स या बाई जो भी लेना हो ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये है ये, इसको हम ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के फोर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, ये आ गया। अब इसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हो गया फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब फोर एक्स कॉमन आ रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था सॉरी, फोर टू या एट एक्स, ये एट एक्स है तो यहाँ फोर एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू, ये आ गया। देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे तो फोर एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये आ गया। अब देखो x इज लेस देन, x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, नाउ तो पहली वैल्यू ले रहे हैं फॉर x
लेस देन जीरो एंड वन, जीरो वन के बीच में देखिए, डी बाई डी एक्स, देखो इसमें पहला देखो जीरो और वन के बीच में प्लस का है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तीसरी भी नेगेटिव, तो फाइनल आंसर आया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया। दूसरा ब्रैकेट एक्स इक्वल ये माइनस टू है, इसमें देखो जीरो से टू तक देखेंगे, अब टू से ग्रेटर देखो, दो से बड़ी वैल्यू और एक्स इज ग्रेटर देन टू, टू से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आंसर इसका आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू, टू से बड़ी वैल्यू के लिए। तो जी हमारा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये y दिया हुआ है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा, इसका भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ध्यान रखना। सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा माइनस थीटा। अब डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं। देखिए तो यहाँ डिवाइड रूल लगेगा, तो 2 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 4 इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस 4 साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस थीटा का करेंगे तो कितना आएगा 1, ये आ गया। इसे सॉल्व करेंगे हम, टोटल पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर इसका लिख रहा हूँ क्या आया है। देखिए ये जब इसको सॉल्व करके पूरा रखेंगे तो ये बनेगा, सॉरी क्या लिखा मैंने क्वेश्चन में, कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा है, मैंने गलत नोट कर लिया है, देखिए ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है और यह कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आएगा। तो जब सॉल्व कर लेंगे इसको टोटल हम, तब हमारा क्या बनेगा, देखो तो ये बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम वगैरह पूरा लेने के बाद यह आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब इंक्रीजिंग होगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन
कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इसके लिए क्या कंडीशन है कि dy dx या जहाँ थीटा है ये जीरो से ग्रेटर होना पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी। दिस इम्प्लाइज cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ये है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर तो हम 0 मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 जी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक तो cos थीटा है ये और दूसरा ये है, दोनों को लेंगे हम तो क्या क्या आने वाला है। देखो तो यहाँ पे अब क्या क्या आ रहा है देखिए, तो ये यहाँ ये बन रहा है दिस इम्प्लाइज cos थीटा एक तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, दूसरा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखो तो ये इम्पॉसिबल है, क्यों, इससे cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो देखो दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन 4, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज cos थीटा लेस देन प्लस माइनस 2, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है ये कंडीशन, देयरफॉर cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा दिस इम्प्लाइज थीटा लाइज बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 में जितनी भी थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। ये हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, सॉल्यूशन ये लॉगरिथम फंक्शन है तो f(x) = log(x) log x ले लिया हमने। अब देखो वी शैल प्रूव दैट f(x) इज इंक्रीजिंग, वी शैल प्रूव दैट f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 0 नाउ f(x) अगर हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/log(x) का 1/x। देखो अब x क्लियरली x इज ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर 1/x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 व्हेन, ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू हैं। दिस इम्प्लाइज f(x) इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f(x) इक्वल टू log(x) इज एन, देखो log(x) का किया 1/x, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है f(x) भी पॉजिटिव क्योंकि c की वैल्यू 1/x है। जब f(x) पॉजिटिव होता है तो f(x) क्या होता है इंक्रीजिंग, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन,
ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन 10 हो गया। देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस वन टू वन। तो सॉल्यूशन देखिए आप, तो एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब कुछ भी करना है हमें तो पहले डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स मैंने इसका डेरिवेटिव 2x माइनस वन ये आ गया। अब यहाँ देखो, अब हम इसमें वैल्यू जब भी हमें वैल्यू निकालना होती है तो अब यहाँ पे क्या लगेंगे, अब हमें चेक क्या करना है, अगर x की वैल्यू निकालेंगे देखो यहाँ अगर हम 1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1/2। देखिए तो 0 से और 1/2 के बीच में हम लें क्या आएगा, तो क्लियरली माइनस 1 से माइनस 1 और 1/2 के बीच में अगर हम वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्स माइनस 1/2 ये नेगेटिव ही आ जाएगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। दिस इंप्लाइज 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0, माने ये डिक्रीजिंग हो गया। दूसरा अपने पास देखो, इसके अंदर देखिए क्या है जी, 2 बन रहे हैं, 1/2 अपना आ गया यहाँ से आ जाएगा अगर निकालेंगे तो। देखो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स माइनस 1/2 को 0 ले लेंगे अगर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो आएगा माइनस 1 से 1/2 एंड दूसरा आ जाएगा 1/2 से 1। 2 इंटरवल्स हो जाएंगे, इन इंटरवल्स में चेक कर रहे हैं। दूसरा अब इंटरवल क्या है, माइनस 1/2 से एंड एक्स की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस, तब क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो आधे में पॉजिटिव आ रहा है, आधे में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सेम साइन नहीं आ रहा है। दस एफ डैश एक्स डज नॉट हैव सेम साइन, डज नॉट हैव सेम, एक जैसा साइन नहीं है। देखो ये माइनस 1 से 1/2 में नेगेटिव है और 1/2 से 1 में पॉजिटिव है, ये इसके दो फंक्शन, दो इंटरवल बन गए माइनस 1 से प्लस 1 में, हैव डज नॉट हैव सेम साइन, एक जैसे साइन नहीं है। थ्रू आउट द इंटरवल माइनस 1 से प्लस 1 में, हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इन माइनस 1 से प्लस 1, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था।